भारत के तमाम साथियों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। यह आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि देश के अंदर गरीबी चरम सीमा पे है, अशिक्षा चरम सीमा पे है, जिसे विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका का दायित्व बनता था, शिक्षा विभाग का दायित्व बनता है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल भविष्य को बनाए, उसे शिक्षित करें, बेरोजगारी से दूर करें, गरीबी भगाएं। लेकिन ये सब मिलकर के गरीबी बढ़ाने में, अशिक्षित करने में माहिर हैं, प्रांगत हैं, क्योंकि इनसे उनकी रोटी सिक रही है। और यही वजह है कि भारत के अंदर बाबाओं का और मुल्लाओं का राज चल रहा है। बाबा मुल्ला कोई भी बन करके, चाहे उसे कुछ आता हो या ना आता हो, हमारे आस्था के साथ खेलते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और खुद मालामाल होकर जनता को कंगाल बना देते हैं। आज जरूरत आन पड़ी है कि भारत को अगर विकसित करना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को अगर सभी देशों से आगे ले जाना है, तो जादू टोना, अंधभक्ति, ये सब खत्म करना होगा। शिक्षा को के स्तर को आगे बढ़ाना होगा, गरीबी को खत्म करना होगा, तभी ये सब मुमकिन है कि भारत अपने सही आचरण पे और सही अपने जो है संस्कृति के ऊपर आ जाएगी। आज जरूरत आन पड़ी है कि तमाम बाबा और मुल्लाओं का डोजियर तैयार हो, कौन बाबा कितना पढ़ा है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या बाबा और मुल्लाओं का सबका डोजियर तैयार हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रोफेशनल हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो जुडिशियल में हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, जो सेवा देते हैं उनका सारा डाटा, उसका एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सरकार के पास पूरी डाटा होनी चाहिए। और जो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, उन तमाम बाबा मुल्लाओं को, उन तमाम प्रोफेशनलों पर कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी चल अचल संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए। जो हमारे आय से अधिक कमाई का कानून जो बना हुआ है, उसका सख्ती से पालन होनी चाहिए, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कोई भी कार्यक्रम अगर 100 से ज्यादा भीड़ लगती है तो उसकी सुरक्षा का, उसकी मैनेजमेंट का, उसकी देखरेख का शुल्क लगना चाहिए और उस पे सरकार की कड़ी नजर होनी चाहिए। जहां कहीं भी घटना और दुर्घटना होता है तो व्यवस्थापक और जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो तथाकथित मुल्ला और बाबाओं बनकर करके लोगों को उनकी आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, कहीं उससे ज्यादा की मौतें हो रही हैं, लोगों के आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाता है, लूटा जाता है, उनको क्या पता नहीं क्या भस्म के नाम पे, क्या उनको प्रसाद के नाम पे क्या कुछ खिला दिया जाता है, उनकी मानसिक संतुलन खो जाती है, उनका दिमागी संतुलन खो जाती है। इन सब का जिम्मेदार कौन है?
सरकार को, व्यवस्था को और स्थानीय जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। और चूंकि वो जनता के टैक्स का, जनता की गहरी कमाई पसीने का वो उससे वो सैलरी लेते हैं, भत्ता लेते हैं, सारी सुख सुविधा लेते हैं, तो वो जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। कानून ऐसा हो कि मुजरिम के साथ तो कड़ी सख्त हो, लेकिन जो लोग देख रेख करते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जहां से रजिस्ट्रेशन होता है, जहां से देख रेख होता है, उन पे भी जवाबदेही हो, और अगर वो नहीं करते तो उन पे भी वही कानून, वही सख्ती होनी चाहिए जो एक मुजरिम के साथ होता है। ये सब देशद्रोह ही के लोग हैं, बाबा लोग और मुल्ला लोग। ये आस्था के साथ खेल करके हमारे नौनिहाल बच्चों का, महिलाओं के ब्रेन वॉश करते हैं और उनकी हत्या होती है। ये सबसे हमें दूर भागना होगा, संविधान को, कानून को समझना होगा और भारत के अंदर एक कानून पे काम करना होगा, लोगों के हक अधिकार की संरक्षण करना होगा, लोगों के आर्थिक स्थिति जो गरीबी है उसे मिटाना होगा, बेरोजगारी मिटाना होगा, महंगाई पे अंकुश लगाना होगा, सुरक्षा चाक चौबंद करना होगा, महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करना होगा और जो स्थानीय समस्या है उनको तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एक सिंगल विंडो बना करके ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार से दूर हटकर हमें उस पर काम करना होगा। और इसके लिए जितने भी 1947 के बाद पार्टियां बनी, सब ने सत्ता की खेल खेला, सब ने मलाई और पुआ खाने की होड़ में लगे रहे, सब वीवीआईपी कल्चर में जीने वाले लोग रहे। और यही वजह है कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर वीवीआईपी और अमीर और करोड़पति अरबपति है तो इस गरीब भारत में है। पूरे विश्व के अंदर उतना नहीं है जितना भारत के अंदर अमीर लोग बसते हैं, भ्रष्टाचारी लोग बसते हैं, कपटाचारी लोग बसते हैं। 64 करोड़ की देवी देवता, बहुत सारे हमारे भगवान, बहुत सारे आस्था, बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद हम बहुत पीछे हैं। हम गरीबी में, अशिक्षा में जी रहे हैं, हम असुरक्षा में जी रहे हैं, हम जो है बीमार रहते हैं, हम सभी लोग की जीवन जो है खतरे में गुजरता है। कब किसकी मौत हो जाए ये कह नहीं सकते। ऐसी सूरत में मानवता ही एक आधार बनता है जिस पे हम जात पात को भूलकर ये विभिन्नता का एकता का शहर, ये विभिन्नता का एकता का देश को बेहतर बनाए और सब मिलकर के जैसे सदियों से रहते आए हैं वैसे रहें। जो लोग नफरत की बीज बोते हैं, जो लोग आस्था के नाम पे दुकानदारी चलाते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, गलत सलत गढ़ते हैं, गलत नरेटिव पैदा करते हैं, इन सब उसे बचना होगा और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और इसके लिए जहां व्यवस्था की जरूरत है, जहां लोकतंत्र की जरूरत है, जहां संविधान बचाने और संविधान पर चलने की जरूरत है, उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी अब आपके बीच में बहुत तैयारी के साथ, नौजवानों के साथ, नवयुवकों के साथ और अच्छे सच्चे देशभक्तों के साथ आपके बीच आ रहा है। देखना है कि जनता अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को बेहतर बनाती है या फिर वो मानसिक गुलाम, आर्थिक गुलाम और गुलामी की जंजीरों में जकड़कर अंधभक्ति बनकर, वो जो है भड़वा गुड़ी करकर, जय चंद बनकर चंद पैसों के लिए बिकती है या अपने आने वाले जनरेशन के लिए
बेहतर करती है, खुद के लिए बेहतर करती है, समाज को और देश को उज्जवल और समृद्ध बनाती है। आइए अब जरूरत आन पड़ी है कि तमाम पार्टियों को दरकिनार करें, जितने भी परिवारवाद चला रहे हैं, जितने भी झूठ की बाजार चला रखे हैं, जिन लोगों ने को जनता नहीं पसंद करती वो कहते हैं कि देखो हमें जनता बहुमत से जिताई है, ये सब झूठ परोस कर करके अपनी हेकड़ी दिखा कर करके ये जो हमारे ऊपर गवर्न करती है, हमारे ऊपर शोषण दोहन उत्पीड़न करती है, इनसे बचने की आज जरूरत आन पड़ी है। एक तरफ हमें सामाजिक सरोकारों के लिए काम करना है और उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आहरा आपको संरक्षण के लिए, अवेयरनेस जागरूकता के लिए और आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार संघर्षशील है और 37 वर्षों से लगातार आपके बीच में मानव चयन बना करके, मानव लाइब्रेरी बना कर करके और न जाने कितनी जद्दोजहद, कितनी जुगाड़ कर करके आपके अधिकार का संरक्षण करता है, आपको शांति और सद्भावना के साथ हक अधिकार दिला करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जरूरत है कि इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, और ज्यादा संख्या बढ़ाया जाए, घर घर में आहरा की अलग जगाया जाए और उसके साथ साथ चूंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ हमारे जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम सब समुदाय के लोग जात पात ऊंच नीच को छोड़ कर करके हम सब मिल कर करके भारत के अंदर 256 भाषा भाषी और न जाने कितने जातों में, कितने संप्रदाय में बटे हुए होने के बाद भी, कितने वर्गों में बटे हुए होने के बावजूद भी हम अनेकता में एकता का फूल खिलाते हैं और इसी की खूबसूरती को लेकर आहरा नेशनल पार्टी के साथ इस सेक्युलर देश को, धर्मनिरपेक्ष को हमें बचाना है, संविधान को बचाना है और सही माने में सबका विकास सबके साथ लेकर करके और ईमानदारी के साथ काम करना है। इसके लिए हमें तमाम उम्मीदवारों का एफिडेविट शपथ पत्र होगा और जो गलत करता है, जिनकी आय से अधिक इनकम है, उनकी चल अचल संपत्ति जब्त हो और उनको कारावास हो। जितने बाबा मुल्ला और जितने भी उनको तथाकथित साथ देने वाले हैं, चाहे वो लीडर हैं, चाहे कौन हैं, उन्हें जरूर पकड़ा जाए और उन पे जो है देशद्रोह का केस होना चाहिए, उनको तत्काल अरेस्ट कर करके उन पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम अलगाववाद की बात करते हैं, नेक्स्ट लाइफ की बात करते हैं, आज हम आतंकवाद की बात करते हैं, ये सब खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये सारे हरकत हमारे कुछ लालची लोभी लीडर लोग करते हैं अपनी गद्दी अपनी सत्ता में जाने के लिए, और ये सब बाबा मुल्ला और तमाम लोगों को का हथियार बना करके ये जो है अपनी रोटी सेकते हैं। इनसे हमें बचना है, इनको हमें खत्म करना है और उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आहरा मानवता के लिए काम करना है, इंसानियत ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है और लोकतंत्र बचाने के लिए एनपी आहरा नेशनल पार्टी को आगे बढ़ाना है। बस आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एम वी गुआ आहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।